of Public School Online Classes. Today we are going to discuss about the process of urine formation, which is included in the chapter of excretion. आज हम उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे. पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से किडनी होता है, जिसका फंक्शन और स्ट्रक्चर कल आपने देखा था. आज हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे. मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, आप जानते हैं कि जो हमारे गुर्दे होते हैं लगातार वो हमारे शरीर से ब्लड को और उस ब्लड में जो उपस्थित तमाम हानिकारक और लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको वो छानते रहते हैं, और साथ ही साथ जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं वो गुर्दे उस लाभदायक पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लेते हैं छानने के बाद. लेकिन जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जो हम दवाएं खाते हैं उसके कुछ अवशेष जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं उसको छानने के पश्चात ये बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं. और जो हमारे गुर्दे होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. हमारे गुर्दे में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने नेफ्रॉन्स हो सकते हैं. 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो काफ़ी छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. इसी नेफ्रॉन का पूरा रोल होता है हमारे शरीर से फिल्ट्रेट को छानने और उसको निकालने का रोल होता है. तो जो हमारा नेफ्रॉन है वही फिल्ट्रेट को छानता है, और जो हानिकारक और लाभदायक पदार्थ हैं आवश्यकता अनुसार उनको बाहर निकालता है और रीएब्जॉर्ब करता है, पुनः अवशोषित करता है. तो आइए देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है. तो हमारे शरीर में हम नेफ्रॉन का रोल पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन में, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है नेफ्रॉन के द्वारा वो मुख्य रूप से 3 स्टेप्स उसमें शामिल हैं. पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा लास्ट स्टेप है सिक्रीशन. तो जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो स्टार्ट होता है बाउमेंस कैप्सूल से. यहाँ पर फिल्ट्रेशन अर्थात यहाँ पर छानने का काम जो है शुरू होगा. कहाँ से शुरू होगा, ये जो बाउमेंस कैप्सूल आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होगा बाउमेंस कैप्सूल. बाउमेंस कैप्सूल तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है. यहाँ पर दो आर्टरीज आती हैं, एक आर्टरी इधर से आ रही है और दूसरी तरफ ये जाकर निकल जाती है. इस पार्ट को हम अफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, और यही दूसरी तरफ जो है जाकर निकलती है जिसको हम इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं. अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है ये जब बाउमेंस कैप्सूल में इंटर करती है तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, अर्थात यहाँ पर ये चौड़ी ज़्यादा है, और आगे ये एक नेटवर्क बना देती है, जाल बना देती है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. तो यहाँ पर बाउमेंस कैप्सूल में ये जो अफरेंट आर्टरी है ये इंटर करती है, प्रवेश करती है, और यहाँ पर एक
जाल पूरा बना देती है। इस नेटवर्क को, इस जाल जैसी संरचना को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये अफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पर चौड़ी ज़्यादा है, और इधर जब ये इफरेंट आर्टेरियोल की तरफ निकलती है अर्थात इधर निकलती है जब बाहर, तब ये पतली होती जाती है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि इधर जो कि ब्लड एंटर करता है, प्रवेश कर रहा है, ब्लड अंदर जा रहा है, और ये चौड़ी है, चौड़ी होने की वजह से इसमें ज़्यादा मात्रा में ब्लड प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पर इधर संकरा होने की वजह से क्योंकि ब्लड कम मात्रा में निकल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे ये पतली पतली कई प्रकार की सब आर्टरी में बट जाती है। इधर यहाँ पर आप देखिए ये विभाजित हो गई है, तो यहाँ पर जब ये पतली हो गई है तो इधर से ब्लड ज़्यादा आ रहा है, इधर से निकल कम पा रहा है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो महीन सेल्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है, यहाँ से होकर जो ब्लड होता है वो छलना स्टार्ट कर जाता है, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर छलने के बाद अब इस आर्टरी से ब्लड इस बाउमैन कैप्सूल में आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद इस ब्लड में जो यहाँ पर ब्लड पहुंचा है उसमें तमाम प्रकार के लाभदायक और हानिकारक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाभदायक और हानिकारक पदार्थ इस ब्लड में है वो इस पीटीसीएन साठ फार्म इसको बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसके द्वारा। तो यहाँ पर ये जो ब्लड है वो प्रवेश करेगा इस नली में जिसको हम लुपाफेनले बोलते हैं। इधर ये डिसेंडिंग लिम्बाफ लुपाफेनले है और इधर असेंडिंग लिम्बाफेनले। तो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट है ये प्रवेश करेगा लुपाफेनले में या हेनलेज लूप में, इसमें प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं और हानिकारक पदार्थ जैसे कि यूरिया और दवाओं के तमाम हानिकारक पार्ट्स जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रवेश किया इसमें, अब यहाँ पर प्रवेश किया, अब हमारे लिए जो तमाम सुगर्स हैं लाभदायक हैं, अमीनो एसिड हैं, कुछ आयंस हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं, अगर वो हमारे शरीर से निकल गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अब उनको पुनः अवशोषित करने का काम रह जाता है जो कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में होता है, जिसको हम अभी आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो अभी हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बाउमैन कैप्सूल में होता है, और यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट क्षमता है यानी कि इस बाउमैन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट क्षमता है उसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में प्रवेश करता है। अब आइए हम देखते हैं हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के पश्चात दूसरा जो स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट था ये जो फिल्ट्रेट अभी क्षमता है इसमें काफ़ी मात्रा में लाभदायक पदार्थ भी होते हैं, और इसीलिए उनको फिर से पुनः अवशोषित करना, रीएब्जॉर्ब करना, पुनः अवशोषित करना आवश्यक हो जाता है। और वही काम हमारा पर यहाँ पर करता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब यहाँ पर इस लूप ऑफ हेनले में जो भी फिल्ट्रेट क्षमता आते हैं उनको ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये अवशोषित करने की इनमें क्षमता होती है, ये आयंस को और जो सुगर हैं अमीनो एसिड्स हैं उनको यहाँ से इधर अवशोषित कर देते हैं, अर्थात लाभदायक पदार्थ यहाँ से पीसीटीएन में आ गए, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में आ गए। और जो पदार्थ अवशोषित नहीं होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया,
यूरिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो पीसीटीएन है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ये तमाम प्रकार के अमीनो एसिड, शुगर, आयंस को अवशोषित कर लेता है और काफ़ी मात्रा में पानी भी हमारे शरीर से यहाँ पर छनता है, तो पानी की भी मात्रा हमारे शरीर में कम ना होने पाए, इसलिए काफ़ी मात्रा में जो है वाटर, जल यहाँ पर पुनः रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है और केवल थोड़ी मात्रा में ही यूरिन बचता है। 1 से 1.5 लीटर के आसपास हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन प्रतिदिन होता है। तो यहाँ पर यदि एब्जॉर्प्शन होने के पश्चात लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट दोनों गुर्दे में मिलाकर हमारे शरीर में 180 लीटर के आसपास फिल्ट्रेट क्षमता है, जिसमें से केवल 1.5 से 2 लीटर फिल्ट्रेट ही हमारे शरीर से यूरिन के रूप में बाहर जाता है, बाकी शरीर को पुनः वो अवशोषित होकर मिल जाता है। इससे फायदा ये होता है कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, शुगर, अमीनो एसिड्स और आयंस, सोडियम पोटेशियम आयंस, ये क्या होते हैं, हमारे शरीर को पुनः वापस मिल जाते हैं। आप कल्पना करिए अगर ये पुनः अवशोषित ना होते तो हमारे शरीर को कितना नुकसान होता। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिक्रीशन, श्रावण। यहाँ पर अब अवशोषित होने के पश्चात जो भी फिल्ट्रेट हमारे लिए हानिकारक था, नुकसानदायक था, अब वही यहाँ पर बचा है और उसी को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को सिक्रीशन या श्रावण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है उससे होता हुआ जो फिल्ट्रेट बचा है उसको यहाँ पर इसके माध्यम से यहाँ से जिसको हम डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जैसे कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसके माध्यम से ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पर फिर वो जो आकार एकत्रित होगा उसको हम यूरिन बोलते हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन स्टोर होने के पश्चात ये ट्रांसफर कर दिया जाता है मूत्र नली में और वहाँ से होता हुआ मूत्र नली से होता हुआ जाकर मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है और समय समय पर हम उसको बाहर शरीर से निकाल सकते हैं।